जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स अभी तक अच्छे जा रहे होंगे, राइट। जैसे भी एग्जाम्स हुए दोस्तों, आपके अकाउंट्स का एग्जाम्स, मैथ्स का एग्जाम्स, लॉ का एग्जाम्स, जैसे भी हुआ है, टेंशन नहीं लेने का, सब अच्छा होगा, राइट। अब क्या है बेटा, आपका लास्ट एग्जाम है। बस ये सोचो, अब लास्ट एग्जाम है, इसके बाद तो बस आराम ही आराम है, ठीक है। लास्ट एग्जाम में आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स और बीसीके में फटाफट से जो मुझे लगता है आपके लिए सबसे सही अप्रोच होगी, मैं फटाफट से डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि भाई जितना आपने पहले कवर कर रखा है, बस उसी को रिवाइज करना है। कोई चैप्टर अगर आपने पहले कवर नहीं किया, लेट्स से आपने बीसीके का चैप्टर नंबर 3, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, बीसीके का चैप्टर नंबर 3 अगर आपने पहले नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, अब नया नहीं उठाना कुछ भी। इकोनॉमिक्स में अगर आपने कुछ छोड़ रखा है, नया नहीं उठाना है, पहली बात तो ये। सर दूसरी बात, अब बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे सर मैराथन कर लो, हाँ या ना, वीडियोस बना दो। तो मेरी बात सुनो, सब बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है क्या बेटा, कि अब जो ये 1 से 1.5 दिन है, ये आपको बस क्या करना है, आपको बस स्टडी मटेरियल को रीड करना है। हमने क्लासेस में सब कवर किया है, एब्सोल्युटली यस, 100% कवर किया है। बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरी कवर करिए, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ करें, अब बस आपको उनकी रीडिंग लेनी है। आपने अगर एक बार भी पहले सारे चैप्टर्स रीड कर रखे हैं ना, तो दोस्तों बस ट्रस्ट मी, एक बार बस सारे चैप्टर की रीडिंग ले लो, उसके पीछे के जो MCQs आपको गिवन है उनको कर लो, इससे ज़्यादा आपको ना तो करने की ज़रूरत है और ना ही हमारे पास टाइम है, ठीक है। अब कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, तो वेटेज वाइज चलेंगे। एंड के लिए कभी भी आपको ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर नहीं छोड़ना है। सर मतलब अगर मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, तो सबसे पहले चैप्टर टू और थ्री डिमांड और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, चैप्टर टू और थ्री बहुत ज़्यादा वेटेज का है, यस सर। पहले चैप्टर टू और थ्री करेंगे, हाँ जी, फिर चैप्टर फोर करेंगे, हाँ जी, फिर चैप्टर फाइव करेंगे और फिर जाएंगे चैप्टर नंबर 1 पे। आज आपका टारगेट होना चाहिए चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कवर कर ही लेना है किसी भी हालत में। बहुत टाइम है, हाँ जी बहुत टाइम है, अभी एग्जाम देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रेस्ट करो, 6 बजे तक पढ़ने बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड सप्लाई जो भी आपके पूरी यूनिट्स हैं, चैप्टर 2 में जो आपकी यूनिट्स हैं, चैप्टर 3 में जो आपकी यूनिट्स हैं, सारी यूनिट्स की बस स्टडी मटेरियल आपको रीडिंग लेनी है, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने मार्क कर रखे हैं, अगर आपने नहीं भी कर रखे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, फटाफट से रीडिंग लो, आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मत करना कि सिर्फ MCQs पढ़े जा रहे हो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई MCQs पढ़ लो, एग्जैक्ट सारे MCQs वही नहीं आएंगे जो आपके पीछे दे रखे हैं स्टडी मैट के, जो पीछे गिवन है, क्या वही सारे MCQs आ जाएंगे? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, है ना, हर बार नए MCQs आते हैं, हाँ, लेकिन जो स्टडी मैट में कॉन्सेप्ट्स गिवन है उन्हीं में से आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप सारे चैप्टर्स की रीडिंग लेकर जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ मैराथन वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना अपने को, बात समझ रहे हो। सब कुछ कवर कर चुके हैं, सारे MCQs हम कवर कर चुके हैं, तो बस क्या करना है, सारे चैप्टर्स एक बार रीड करने हैं। पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स खत्म कर लो, हाँ जी, सारे चैप्टर्स की रीडिंग ले लो, उसके बाद बीसीके, बीसीके में चैप्टर 3 अगर आपने कर रखा है तो एंड में प्रैक्टिस करना, एंड में रिवाइज करना, बाकी चैप्टर्स करो पहले बीसीके के। चैप्टर 3 जो है जिसमें आपको सिर्फ याद ही करना है कंपनीज के नेम वगैरह, वो सब एंड के लिए छोड़ना, हो सके तो जिस दिन एग्जाम है उसकी मॉर्निंग को करना, मतलब परसों मॉर्निंग को, ठीक है। कल तक कोशिश करो, कल तक हम बिजनेस इकोनॉमिक्स और बाकी के जो बीसीके के चैप्टर्स हैं उनकी रीडिंग ले लें, MCQs चैप्टर के पीछे गिवन है वो सारे MCQs कर लें फटाफट से, राइट। अगर आपके पास टाइम बच जाता है, अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो कोशिश करना कि जो MTB गिवन है, MTB गिवन है आपको, 2 MTBs है, उन MTBs को जरूर देख के जाएं, है ना। सब में 100-100 MCQs हैं, फटाफट से कर लेना। अगर मुझसे आपको और कुछ चाहिए कि सर एक बार ये दे दो या MTB करा दो या कुछ भी करा दो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा आप यूट्यूब से, जितना ज़्यादा इंटरनेट से दूर रहोगे इन 1-1.5 दिन में, आपके लिए उतना बेटर होगा। आखिरी एग्जाम है दोस्त, बाकी सब तो आप कर ही चुके हो, बस आखिरी एग्जाम है, हिम्मत नहीं हारनी है। बाकी पहले एग्जाम जितने जैसे भी हुए हैं, अगर कोई एग्जाम अच्छा नहीं भी हुआ है, तो बेटा ये वो एग्जाम है जो आपका एग्रीगेट बना सकता है। आप आराम से इस सब्जेक्ट में 70-80+ ला सकते हैं अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन कर रखी है तो, ये सुनो, तो डरना नहीं है, एग्जाम बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी करना जरूरी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से स्टडी मटेरियल खोलो और आराम से पढ़ना चालू कर दो। अगर कुछ भी चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बाकी मिलते हैं आपसे एग्जाम्स के बाद, ऑल द बेस्ट विशेस, टेंशन नहीं लेने का, एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर।